और बेतिया से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां चंपारण तटबंध ध्वस्त होने के बाद एक्शन में अब सरकार आ गई है। कार्यपालक अभियंता निशिकांत निलंबित कर दिए गए हैं। बगहा में बाढ़ नियंत्रण के हैं कार्यपालक अभियंता और तटबंध टूटने के बाद नहीं दिखे एक्टिव। आपको बता दें कि तटबंध के देखभाल में बढ़ती थी लापरवाही। मनीष कुमार बने चंपारण तटबंध के नए कार्यपालक अभियंता। तो बड़ी खबर इस वक्त बेतिया से बता रहे हैं। बेतिया में भी बाढ़ जैसी स्थिति है और ऐसे में जब तटबंध टूट गया तो ऐसे में जो पुराने अभियंता थे उन्हें हटा करके अब नए कार्यपालक अभियंता की नियुक्ति की गई है। मनीष कुमार नए चंपारण तटबंध के नए कार्यपालक अभियंता बनाए गए हैं। ये दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहाँ गांव प्रभावित हो गए हैं, बाढ़ जैसी स्थिति है। ये भयावह तस्वीरें देखिए, जहां कटाव भी हो रहा है और ऐसे में लापरवाही बढ़ती गई, जिसे लेकर के अब सरकार एक्टिव नजर आ रही है। चंपारण तटबंध ध्वस्त होने के बाद सरकार एक्शन में आई और कार्यपालक अभियंता निशिकांत को निलंबित कर दिया। बगहा में बाढ़ नियंत्रण के कार्यपालक अभियंता थे, लेकिन उन्होंने लापरवाही बरती और इस वजह से उन्हें निलंबित किया गया और उनकी जगह पर अब नए कार्यपालक अभियंता यानी कि मनीष कुमार को बनाया गया है। और इसी बीच दरभंगा से बड़ी खबर आ रही है, जहां कोसी नदी में उफान से कीरतपुर प्रखंड के नरकटिया और भभौल गांव के पास तटबंध पर पानी का भारी दबाव नजर आ रहा है। खतरा कितना बड़ा है इसे इसी बात से समझा जा सकता है कि डीएम खुद बालू के बोरे अधिकारी के साथ मिलकर तटबंध पर डाल रहे हैं। लोगों से खतरे की आशंका नजर आ रही है, उन्हें डर का माहौल है लोगों में और लोग अपने सामान के साथ ऊंचे स्थानों पर पलायन करने को मजबूर हो गए। डीएम ने जानकारी दी है कि किरतपुर प्रखंड के नरकटिया और भभौल गांव के समीप लगभग 200 मीटर से अधिक में कोसी नदी का पानी बांध पर ओवरटॉप कर रहा। और गंडक बराज से शनिवार को छोड़े गए करीब 6 लाख क्यूसेक पानी की वजह से वैशाली में तिरहुत तटबंध पर दबाव बढ़ने की आशंका है। आपको बता दें कि गंडक बराज से छोड़ा गया पानी सोमवार दोपहर या फिर शाम तक वैशाली से गुजरेगा और इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित किया है। तटबंध के साथ ही निचले इलाके में रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। तटबंध की सुरक्षा के लिए 24 घंटे इंजीनियर की टीम तैनात है। वहीं डीएम ने भी देर रात रामदौली घाट पर तैयारी का जायजा लिया और साथ ही फुलाड़ घाट और लालगंज से बसंता घाट को भी देखा। बता दें आपको कि रामदौली घाट पर जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता प्रफुल्ल कुमार ने। तराई क्षेत्र में हुई जोरदार बारिश के बाद गंडक नदी जो है उफान पे है। गंडक नदी का जो वाल्मीकि नगर गंडक बराज है उससे लगभग 6 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके बाद से वैशाली में भी इसको लेकर अलर्ट है। और आप देख सकते हैं किस तरह से डीएम जो है खुद यहाँ पे रात और सुबह दोनों टाइम खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं पूरे मामले की, और पानी की रफ्तार जो है वो धीरे धीरे जलस्तर बढ़ता जा रहा है। यहाँ जब पानी 2 दिन बाद पहुँचने की जो उम्मीद है वो जताई जा रही है कि आज देर रात और कल सुबह से जो पानी की जो जलस्तर है वो इसमें वृद्धि होगा, और वृद्धि होने के बाद जो है वो कई तरह की चुनौतियां जो हैं वो जिला पदाधिकारी और जिला प्रशासन के सामने होंगी, जिसको लेकर जो है डीएम जो इस जिले के जो डीएम यशपाल मीणा जी वो खुद इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम लोग पास 10-12 जितने भी बोर्ड्स हैं उनको हम लोगों ने अलग अलग जगह पर स्टैटिक किया हुआ है। सभी लोगों से हम लोगों ने अपील भी किया है कि कल जब पानी गुजरेगा यहाँ से तो ज़्यादा डीप में जाने का नहीं रखें, बाहर से ही अपना हम लोग प्रतिबंधित भी कर दे रहे हैं एहतियातन के तौर पे। सभी घाटों पे हम लोगों ने पब्लिक एड्रेस सिस्टम की व्यवस्था की है ताकि किसी भी परिस्थिति में लोग जो हैं ज़्यादा डीप पानी में ना जाएँ। बहरहाल चुनौतियाँ बहुत हैं, लेकिन जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और ये दावा किया जा रहा है कि हर तरह की तैयारी जो है वो मुकम्मल कर